फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इज रिटन ओवर हियर। आप देखें, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी दिस। कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 6। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इसके एक्सपेंशन में 6 के इक्वल है और हमें उसकी वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 + x^m, आप इसका एक्सपेंशन कर दें, mc0 1 × m x^0, mc1 1 × m−1 x^1, mc2 1 × m−2 x^2 एंड सो ऑन। और आखिरी का टर्म होगा mcm 1 × 0 x^m, जो हमें a+b⋯n का एक्सपेंशन मालूम है वो। अब आप इसमें बहुत सिंपल सी बात है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इसमें से देख लें कि व्हाट इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ध्यान से देखिए क्लियरली। कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज mc2 1 × m−2, 1 × m−2 यू नो इज व्हाट, 1, तो ये हो जाएगा mc2। और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट, वी आर गिवन दैट इट इज 6 एंड वी आर गिवन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6, mc2 इज 6, mc2 इज 6। अब mc2 का एक्सपेंशन आप कर दें, तो जो मैंने तरकीब बताई है आपको बता रखी है उससे भी कर सकते हैं और आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, m फैक्टोरियल अपॉन m−2। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि वो तरकीब क्या है, तो मैं आपको तरकीब बताता हूँ, आप चिंता ना करें। इज इक्वल टू 6। अब mc2 का ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, एन सी आर, ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n−r·n·r·, कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो यूज कर दिया। और वो जो डायरेक्ट टेक्निक है उसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो वो भी अभी समझेंगे हम। m फैक्टोरियल को ओपन कर दीजिए, m − 1 m − 2 फैक्टोरियल अपॉन m − 2 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया। 2 फैक्टोरियल इज व्हाट, 2 × 1, उसको वहां भेज दें, ये हो जाएगा आपका m² − m, ये हो गया आपका 6 × 2 = 12, m² − m − 12 = 0। अब स्प्लिटिंग मिडिल, तो ये हो जाएगा m² − 4m + 3m − 12 = 0, m कॉमन, m − 4 वैल्यू कॉमन ले लिया, m प्लस, इससे m की दो वैल्यूज आ गई, m = 4 और m = −3। −3 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि m क्या है आपके पास, mc2, यहां पर m नेगेटिव नहीं हो सकता। ncr में n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो m cannot be −3, नॉट पॉसिबल। तो ये आपका दोस्तों आंसर, m की वैल्यू 4। अब वो जो ट्रिक मैं आपको बता रहा था कि वो ट्रिक क्या है, mc2 = 6 है, तो m और इससे चालू करके दो कदम चलना है हमें, एक कदम ये और दूसरा नीचे की तरफ, इससे जो जस्ट बाद वाला नंबर है, जस्ट बाद वाला नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जस्ट बाद वाला है m−1, तो इसको एक गिनेंगे इसको दो गिनेंगे, एक फैक्टर दो फैक्टर, और अपॉन में 2 लिखा है तो 2 × 1। अगर mc3 लिखा होता तो फिर एक और जाना पड़ता, तो फिर हो जाता m−2 और नीचे हो जाता
3 × 2 × 1, अगर MC4 लिखा होता तो एक और जाना पड़ता, M M-1 M-2 M-3, और यहाँ पर हो जाता 4 × 3 × 2 × 1। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं MC2 को अदरवाइज दूसरे तरीके से। होपफुली ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीछे के क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल द बेस्ट।